Hey guys, once again welcome to my channel Education Hub. In this video we will do the class 12th history chapter 3 Bandhutva Jati Tatha Varg. This is the part first of this chapter. फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ. स्टूडेंट नेम राधिका गोला शी हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू अपलोड द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर टुडे शी नीडेड इट अर्जेंटली. सो अभी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं. सो लेट्स बिगिन इट. बेसिकली इस चैप्टर में फ्रेंड्स विशाल महाकाव्य जो महाभारत है उसके बारे में दिया गया है. ये पूरा पार्ट जो है महाभारत के इर्द गिर्द घूमता है. पितृवंशिकता हो गया, गोत्र हो गए या वर्ण व्यवस्था हो गई, उसमें ब्राह्मणों की डोमिनेशन थी, उस चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. उस समय या समकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार साहित्यिक परंपराओं या ग्रंथों का प्रयोग करते हैं और ग्रंथों से हमें उन्हीं लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो इनको लिखवाते थे. समाज के ऊँचे तबके के जो लोग थे वही इन्हें लिखवाते थे. इसीलिए हमें जो सामान्य स्थिति वाले लोग थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती. फ्रेंड्स अब आते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण. 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, एक संस्कृत विद्वान है ये काफ़ी फेमस हैं, V.S. सुकथांकर, एक्चुअली ये चल नहीं रहा था अभी. 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत हुई. इसमें फ्रेंड्स किया क्या गया कि देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाओं में लिखी गई जो महाभारत की पांडुलिपियाँ थीं उन्हें इकट्ठा किया गया और उन श्लोकों का चयन किया गया जो सभी पांडुलिपियों में थे और उन श्लोकों का चयन करके उनका प्रकाशन किया गया, उन्हें छापा गया 13,000 पृष्ठों पर. और इस परियोजना में 47 वर्ष लगे, 47 ईयर्स लगे इस परियोजना को कंप्लीट होने में. सो फ्रेंड्स अब हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिनका मीनिंग इस चैप्टर में दिया गया है. जैसे कि कुल, कुल का मतलब होता है फ्रेंड्स परिवार, कुल एक परिवार को कहते हैं. और जाति बांधवों का एक बड़ा समूह कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, बांधव जो होते हैं उनका एक बड़ा समूह. अब हम पहुँचे हैं फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पार्ट पर. ये जो है पितृवंशिकता और मातृवंशिकता ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम्स में आ भी जाती है. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पेन. सो पितृवंशिकता और मातृवंशिकता जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो फ्रेंड्स पितृवंशिकता का मतलब होता है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र और प्रपोत्र आदि से चलती है. मतलब वह परंपरा जिसमें पहले पिता होता है फिर उसका बेटा फिर उसका पोता उसके बाद जो उसका प्रपोत्र होता है, इस तरीके से जो वंश परंपरा चलती है उसे पितृवंशिकता बोलते हैं. और ये परंपरा जो थी उस टाइम पे काफ़ी प्रचलित थी और महाभारत का युद्ध होने के बाद ये और भी प्रचलन में आ गई. जैसा कि हम लोग जानते हैं महाभारत का युद्ध दो गुटों के बीच हुआ, जो एक कौरव और पांडव. उसके बाद फ्रेंड्स पितृवंशिकता को और बल मिला. मातृवंशिकता वह वंश परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है उसे मातृवंशिकता कहते हैं. पितृवंशिकता के कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं. पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे. जैसा कि मैंने बताया वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र, मतलब अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके सारे संसाधनों उसकी सारी प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता था. परंतु इसमें विभिन्नता थी, यदि पुत्र नहीं है किसी के तो उसके भाई दूसरे भाई जो थे वो उसके उत्तराधिकारी हो जाते थे. पुत्र ना होने पर भाई उत्तराधिकारी हो जाता था. कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे ज़बरदस्ती. विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां सत्ता का उपभोग करती थी, ये विरले ही बहुत कम होता था. ऐसे इसका हमारे पास सिर्फ एक ही अभी तक आंसर है कि कोई स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया या दान दिया तो वो प्रभावती गुप्त थी. इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, राजा किसान और नगर में, प्रभावती गुप्त के बारे में. और फ्रेंड्स अब आता है विवाह के प्रकार, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं हम, कई बार आ जाते हैं, वैसे बहुत रेयर ही आता होगा एग्जाम में ये. अंतर विवाह, वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं.
यह समूह एक जाति भी हो सकती है, एक गोत्र भी हो सकता है, एक कुल भी हो सकता है और एक जगह बसने वाले लोगों का समूह भी हो सकता है। अंतर विवाह वो होता है जब एक ही समूह के मध्य विवाह होता है। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह, एक पुरुष की एक से अधिक पत्नी होने की परिपाटी, एक पुरुष है और उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, ये प्रथा होती थी और ऐसा पुराने जमाने में होता भी था। एक राजा के कई कई पत्नियां होती थी। बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति। इसका ऑप्शन आप लोग द्रौपदी को दे सकते हैं, उनके 5 पति थे और बहुपत्नी के तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अधिकतर राजा ऐसे हैं जो बहुपत्नी प्रथा से रिलेशन रखते ही हैं, उस वाली कैटेगरी में आते ही हैं। फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना जरूरी है कि स्त्रियों का पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता था, उस पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था और अपने गोत्र से उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित माना जाता था। यह अपेक्षित माना जाता था कि जो पुत्रियां हैं या जो स्त्रियां हैं उनका अपने गोत्र से विवाह कर दिया, गोत्र से बाहर विवाह कर दिया जाए, सॉरी। अब गोत्र के बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जो भी गोत्र होते थे एक वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे और उस गोत्र के जो सदस्य होते थे उसे उस ऋषि के वंशज माना जाता था। गोत्रों के 2 नियम। विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था, पहला नियम। और दूसरा नियम, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। इसके अगेंस्ट में फर्स्ट वाला जो नियम है कि विवाह के बाद स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था, इसके अगेंस्ट में जो सातवाहन राजाओं की रानियां थी उसमें मिलता है कि उन्होंने पिता का ही गोत्र अपनाए रखा, अपने पति का गोत्र नहीं अपनाया। अगर आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।